नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ जो आप पत्ते पत्ते में देख रहे हैं कि लौकी के फल आए हुए हैं, ये है आपका 3G 4G का कमाल। मैंने आपको वीडियो शेयर की हुई है, आप भी अपने प्लांट में इस तरह से 3G 4G करके ढेर सारे फ्रूट्स ले सकते हैं। सवाल ये है कि इस तरह से नन्हे नन्हे लौकी लग तो गए हैं, लेकिन क्या ये सब जिंदा बच पाएंगे? क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स के कमेंट आए हैं कि मेरे लौकी लगते हैं लेकिन समाप्त हो जाते हैं, तो उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो को शेयर कर रही हूँ। तो कृपया आप बने रहें और अंत तक देखें कि मैं इसका क्या रेमेडी बताती हूँ आपसे। तो दोस्तों, ये जो लौकी के छोटे छोटे फ्रूट्स आपके ख़राब हो जाते हैं, इसके कई कारण होते हैं। कारण में है, सबसे पहला कारण पानी होता है। बहुत ज़्यादा पानी आप दे देते होंगे तो भी फल बनने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं, या फिर बहुत कम पानी होने से भी फ्रूट नहीं बन पाते हैं। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि पानी की अधिकता या कमी न हो। दूसरी चीज़ है कि इसमें आपका जो सॉयल है, सॉयल का पीएच लेवल अगर ख़राब हो जाता है तो भी लौकी के फल आपके लगकर ख़राब हो जाते हैं और अच्छे नहीं बन पाते हैं। दोस्तों, इसी तरह से कैल्शियम की कमी अगर पौधे को होती है तो भी वो सरकर गिर जाते हैं। साथ ही आपका, अगर आपने नाइट्रोजन अधिक वाली मात्रा में दे दी है तो आपके पेड़ काफ़ी घने हरे पत्ते वाले खूबसूरत होंगे, लेकिन फ्रूट उसके या तो बनेंगे नहीं या बनेंगे तो समाप्त हो जाएंगे। तो हमें अब करनी क्या है, इस बात पर आती हूँ। तो पानी तो संभल कर दें, आवश्यकता भर दें, थोड़ी सी ड्राई होने के बाद पानी दिया करें। साथ ही अगर आपके सॉइल की पीएच लेवल को ठीक करनी है तो चूना, जला हुआ चूना, जिसको बेसाल्ट और डोलोमाइट नाम से भी हम लोग जानते हैं, उसको आप अपनी सॉइल में मिला दे सकते हो तो पीएच लेवल उसका ठीक हो जाएगा, साथ ही कैल्शियम की कमी कुछ पूरी हो जाएगी। दोस्तों, ऐसे कैल्शियम के लिए हम लोग बोन मिल का भी सॉइल में उपयोग कर सकते हैं, जो स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, धीरे धीरे काम करता रहेगा। साथ ही आप इसमें NPK भी डाल सकते हैं, जो महीने में ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आपको डालनी है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम हो। जैसे आप 6-10-10 का उपयोग कर सकते हो। दोस्तों, सीविड बहुत अच्छी आपके पास फर्टिलाइजर है, उसको आप पत्ते पर इसको लिक्विड फॉर्म में छिड़काव कर सकते हो। अब आते हैं कि अगर आपके पौधे में फंगस लगे हुए हैं और इसके कारण आपके फल खराब हो रहे हैं, तो आप नीम पत्ती, नीम वायल, गोमूत्र, मिर्ची की जो मैंने पेस्टिसाइड आपको बताई है, ढेरों पेस्टिसाइड मैंने आपको शेयर की हुई है, आप मेरे पेस्टिसाइड वाले लिस्ट में जाकर देख सकते हो कि कैसे उसको बनानी है, और उसका उपयोग करोगे ऑर्गेनिक रहेगा तो बेहतर रहेगा। वैसे मार्केट में आपको फंगिसाइड मिलते हैं, उसका भी अगर आवश्यकता हो तो आप उपयोग कर सकते हो, लेकिन ऑर्गेनिक सब्जी जब हम घर में उपजा रहे हैं तो बेहतर यही है कि हम ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड ही यूज करें। दोस्तों, ये 1G से 4G तक करने का क्या कमाल होता है और कितने ढेर सारे फल आते हैं, इसके लिए आप वीडियो जाकर मेरा देख सकते हो। मैंने वीडियो डाली हुई है कैसे प्लांट की कटिंग करनी है ताकि आपके फल फ्रूट सब्जियां अधिक से अधिक आ सके। तो इसी के साथ मैं आज चलती हूँ, फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। चलिए, कार्य